ये वाले जो जूते हैं ये भी इनकी दुकान है, और ये स्पेशल जो है ये यहाँ पर लेडीज जूते पड़े हुए हैं, और बाद शूज भी मेरे ख्याल में लोगों ने रखे हुए हैं। तो ये एक साइड पर, दूसरी साइड पर यानी कि इन्होंने शूज रखे हुए हैं, जूते वगैरह। और ये देख लो जी, हर टाइप के शूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर जो है हिंदू ही शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और लेडीज और मर्दाना एक साथ रखे हुए हैं। तो हम भाई से भी मिलते हैं क्या? नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं एक दुकान पर। ये एक हमारे हिंदू भाई की शॉप है, और ये कपड़े का कारोबार करता है, कपड़ा बेचता है और अपना यानी कि पैसे वगैरह कमाता है। तो हम आज इनसे मिलने के लिए आए हैं, और इनसे इनके कारोबार का हाल वगैरह भी पूछेंगे कि ये कारोबार किस तरीके से करता है। तो इनके जी एक शॉप में ना, एक तरफ ये कपड़ा है जो हर टाइप का कपड़ा यानी कि ये स्पेशल हिंदुओं के लिए कपड़ा होता है जो कि इनके पास मौजूद होता है। अगर हिंदू को कपड़े वगैरह सिलाना हो तो यानी कि इनसे आकर खरीद लेता है। और ये जूते, तो नए जूतों के जूते भी एक साइड पर ऐसी इस तरीके से रखे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी यानी कि कपड़े की एक शॉप है। हम इनसे पूछते हैं कि ये कपड़े का कारोबार करके कितना आमदनी वगैरह कमा लेता है, क्या कुछ कर लेता है, क्या घर का गुजारा वगैरह हो जाता है इनका। भाई ने जो है बनियारी का जो सामान होता है यानी कि औरतों के लिए जो कि गहने वगैरह, वो भी शॉप है इनकी। तो अभी वो दूसरी शॉप में है, तो मैं वहाँ पर जाकर उनसे मिलता हूँ। और यानी कि जितना भी सामान होता है ना, वो कढ़ाई वगैरह का और जितने भी यानी कि लेडीज़ के लिए मेकअप वगैरह, तो ये सारा सामान जो है इनके पास मिल जाता है। तो अभी चलते हैं इनके पास। और तो ये जी है इनकी ये शॉप, यहाँ पर आपको कपड़ों के लिए भी ये मिल जाएगी। ये सारा कुछ ना लेडीज़ के लिए होता है, जो लेडीज़ इस्तेमाल करती है। तो आप जो भी फीमेल है वो समझ जाएंगे। ये देख लो जी, और ये कपड़ों पर लगाए जाते हैं, और ये बहुत ही हर टाइप के बहुत ही मिल जाएंगे आप लोगों को। और ऊपर बैकअप वगैरह पाउडर करीब है, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। तो भाई आपका नाम क्या है? कामरान। तो कामरान भाई, ये शॉप आपकी है? जी जी। तो आपको कितना अरसा हो गया तकरीबन ये शॉप चलाते हुए? तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हैं। तो ये जो यानी कि दुकान है, ये आपकी अपनी जाति है या फिर आपने किराए पर है? तो इसका किराया कितना पड़ जाता है आपको महीने का? 2-3 हज़ार यानी कि महीने का किराया। और बिजली लाइट वगैरह का भी बिल आता होगा, वो कितना आता है? 2-2 हज़ार आ जाता है। 2 हज़ार आ जाता है। तो आपकी पढ़ाई कितनी तक की हुई है आपने? 8 पढ़ा 8, यानी कि मिडिल क्लास आप। और आप शादीशुदा हो या अभी सिंगल? शादीशुदा हो। बच्चे भी हैं आपके? नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे नहीं, अभी आप खुद बच्चे हो, है ना? अच्छा, तो यहाँ से आप कितना यानी कमा लें? वो शॉप भी आपकी जो अभी हम देख रहे हैं जूते वाली, जी जी, और वो कपड़े वाली भी, आप ये यानी कि तीनों आप हैंडल कर रहे हो। तो बहुत अच्छा कारोबार है भाई आपका, मैंने देखा, बहुत मुझे पसंद आया और खुशी भी हुई कि यार आप, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हिंदू भाई कोई तरक्की कर रहा ना, तो एक हिंदू भाई को खुशी होती है कि यार वो बहुत अच्छा कारोबार कर रहा है। तो आप यार कि तीनों शॉप में से एक दिन के कितनी कमाई कर लेते हो, बचत कितनी होती है? 4-5 हज़ार यानी कि बचत हो जाती है, और महीने के 8-10 हज़ार आते होंगे या 15। तो फिर आपकी फैमिली वगैरह परिवार जो भी है उनका खर्चा वगैरह पूरा हो जाता है? नहीं, खर्चा तो पूरा नहीं हो रहा। यानी कि मुश्किल बात ये है, बस ये गुजारा एक हो रहा है। तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू भाई। तो गाइस, आज हम लोगों ने आपको ये शॉप वगैरह दिखाई, इस भाई से मिलाई जिनकी ये शॉप है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको इसी तरीके से हिंदुओं, हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं से जुड़ी लाइफ आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग भी जान सको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।